नमस्कार सर, मेरा नाम है विजय बलराम सरकार। मैं जयदुर्गा हाई स्कूल एवं जूनियर कॉलेज गौरनगर, तालुका रिजनवल, डिस्ट्रिक्ट गोंदिया के कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरा विषय है दैनंदिन जीवनात गणितीय उपाय। मैंने यह मॉडल पूरे गणित के ऊपर डिपेंड है। सर, आजकल देखा जाए तो बच्चे ज़्यादातर गणित में कमजोर होते हैं। इसका पीछे का कारण एक तो गणित का भय, या फिर गणित समझ में नहीं आता, या फिर गणित पढ़ने में मज़ा नहीं आता। इन सब में यह मॉडल अधिक से अधिक कारगर साबित रहेगा। इस मॉडल में हम कई प्रकार के क्वाड्रेटर बना सकते हैं, जैसे कि आयत, वर्ग, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समोच्च चतुर्भुज, ये सब इसमें तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आयत कैसे बनाना है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आयत के सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा सर्वांगक्षम होते हैं। सपोज ये अगर 40 सेंटीमीटर का हो तो ये भी 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर ये रेक्टेंगल के सम्मुख कोण सर्वांगक्षम होते हैं और सभी का कोण कम आप 90 डिग्री का होता है। ये हो गया 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का, टोटल मिला के होता है 360 डिग्री का मेजरमेंट तैयार होता है। उसके बाद ट्रायंगल कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं और तीन कोण होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का होता है और ये दोनों कोण मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। ये हो गया 90 डिग्री का, ये 40, अरे हो गया 50, टोटल मिला के होते 180 डिग्री का मेजरमेंट। उसके बाद ये समांतर चतुर्भुज कैसे होता है मैं आपके दिखाना चाहता हूँ। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण सर्वांगक्षम होते हैं। अगर इसका 70 है तो इसका भी 70 होना चाहिए। ये हो गया सत्तर, अरे दोनों कोण को मिलाकर 180 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 70 है तो ये 110 डिग्री का होना चाहिए। ये हो गया 110, ये हो गया 110 डिग्री, ये हो गया टोटल होता है 360 डिग्री का मेजरमेंट। सपोज किसी विद्यार्थी को अगर पूछा जाए कि आयत के डायग्राम कैसे होता है, तो इन विद्यार्थी के दिमाग में गूंजते रहता है कि आयत के डायग्राम कैसे होती है और इसके डेफिनेशन कैसे होती है। अगर उन विद्यार्थी को इस मॉडल द्वारा पढ़ाया जाए, उन विद्यार्थी को अधिक से अधिक दिनों तक ध्यान में रह सकता है और जल्दी समझ सकते हैं। इसका उपयोग विद्यार्थी भी समझ विद्यार्थी